हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इमरती की रेसिपी। आज हम इमरती बनाएंगे, वो भी घर में कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के तैयार करेंगे हम इमरती। तो चलिए हम झटपट से स्टार्ट करते हैं इमरती बनाना। मैंने इमरती बनाने के लिए लगभग 150 ग्राम के करीब साबुत उड़द लिए हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये साबुत उड़द है जो मैंने लगभग 150 ग्राम के करीब लिया है। इसे मैं लगभग 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी, अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ गंदगी होगी वो सारी निकल जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम दुगना पानी ऐड कर देंगे और इसे कवर करके ओवरनाइट या फिर 6 से 7 घंटे के लिए इसे अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 6 से 7 घंटे के बाद ये अच्छे से फूल जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसके पानी को हमें अच्छे से निकाल लेना है और इसे मिक्सर जार में डाल के इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसमें से पानी बिल्कुल अच्छे से छान करके हमें हटा लेना है और इसे हम मिक्सर जार में चलाते हुए इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। हमें केवल ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी दाने ना हो, कोई भी इसके अंदर उड़द के दाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और ना ही ये मोटा या दरदरा पिसा होना चाहिए, बिल्कुल फाइन और चिकना पिसा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके का ही हमें पेस्ट चाहिए। अब अगर आप इसे 8 से 10 मिनट तक हाथों की हेल्प से अच्छे से फेंट सकते हैं तो उसे हाथों से फेंटिए, नहीं तो इसमें 1/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे और इन सबको अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप इसे हाथ से 8 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे, बिल्कुल उस तरीके से जैसे हम वड़े के लिए फेंटते हैं, तो फिर बेकिंग पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो सेम रिज़ल्ट आएगा बेकिंग पाउडर डालने से जो हम हाथों से फेंट करके तैयार करेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप ऑरेंज कलर ऐड कर देंगे। हलवाई की जो इमरती होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, तो इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप ऑरेंज कलर मिक्स कर देंगे। अब चलिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। इमरती बनाने के लिए हमें 1 तार की चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने चाशनी बनाना शुरू कर दिया है। मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब चीनी लिया है और उससे मैं चाशनी बनाऊंगी। ये मैं 5 से 6 इमरती के लिए चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि जितना हमने उड़द दाल का बैटर बनाया है उससे लगभग 2 से 2.5 किलो इमरती बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं केवल 5 से 6 इमरती के लिए ये चाशनी तैयार कर रही हूँ। अगर इसे आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा चीनी की चाशनी बना के तैयार कर सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि हमें चाशनी जो है वो 1 तार की चाशनी बनानी है, क्योंकि अगर आपने 2 तार की चाशनी बना दी तो चाशनी इमरती के अंदर नहीं जाएगी और वो मीठी नहीं लगेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हमने जो अपना बैटर तैयार किया था उसे हम एक पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ग्लास, उसमें हम अपने पाइपिंग बैग को लगा देंगे। इस तरह के पाइपिंग बैग जो है वो केक की शॉप पे इजीली अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग बैग के अंदर जो बैटर हमने तैयार किया था वो हम फिल कर लेंगे। मैंने लगभग 5 से 6 इमरती के लिए ये बैटर तैयार किया है, बाकी को मैंने अभी छोड़ दिया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम पाइपिंग बैग के अंदर अच्छे से फिल कर लेंगे। इससे इमरती बनाने में बहुत ही आसानी होती है। अगर इस तरह की पाइपिंग बैग आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मोटा पॉलिथीन लेकर के उसमें कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इमरती बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी वनस्पति का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने घी लिया है क्योंकि घी में इमरती जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसके आगे का हिस्सा जो है उसे हमें कट लगा करके काट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें आगे के हिस्से को काट लेना है। इमरती बिल्कुल पतली पतली बनती है तो हमें हल्का सा कट लगाना है, ज़्यादा मोटा कट नहीं लगाना है। इस स्टेज पे हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे और कुछ इस तरीके से हम इमरती जो है हम बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम धीरे धीरे पाइपिंग बैग की हेल्प से इमरती बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हमें ध्यान केवल ये रखना है कि हमारा जो फ्लेम है वो यहाँ मीडियम रहेगा और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे धीरे धीरे बनाना है, धीरे धीरे शेप दे जाना है।
ये देखिए इस तरीके से हमें इमरती का शेप देते जाना है। और 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे अपनी इमरती जो है वो अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। तो कुछ इसी तरीके से हम अपने सारे इमरती को बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए एक और इमरती में बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से बनाने के बाद पाइपिंग बैग की हेल्प से उसे हमें घुमाते हुए इमरती को बना लेना है। आप चाहें तो छोटे साइज़ की इमरती बना सकते हैं या बड़े साइज़ की इमरती बना सकते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसी चाहें वैसी इमरती बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक रखने के बाद इसे हम उलट पलट देंगे और आगे से और पीछे से दोनों तरफ से इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। इस तरीके से इमरती को आप फ्राई करके स्टोर करके फ्रिज में लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं और जब आपकी खाने की इच्छा हो उस समय आप इसे चाशनी में डिप करें और इसको एंजॉय करें। चलिए एक और इमरती हम बना के देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप अपने पाइपिंग बैग को घुमाते हुए इमरती बना के तैयार कर सकते हैं। इसे आगे से पीछे से अच्छे से गोल्डन सेक लेना है हमें, बिल्कुल क्रिस्पी सेक लेना है हमें। और जब ये अच्छे से सिक जाए तो इसे हमें निकाल करके पहले ठंडा करना है। 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे हमें बाहर निकाल के ठंडा करेंगे इसे, और ठंडा करने के बाद ही हम इसे चाशनी के अंदर डिप करेंगे। तो ये देखिए हम मैंने 5 से 6 इमरती जो है वो अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है, अच्छे से तल के निकाल लिया है। अगर आप इसे गरम गरम चाशनी में डालेंगे तो ये सौगी हो जाएंगे, तो इसे हमें गरम गरम चाशनी में बिल्कुल नहीं डालना है। हमारी चाशनी भी जो है वो हल्की गुनगुनी होनी चाहिए और हमारी जो इमरती हैं वो भी हल्के गुनगुने गरम होने चाहिए, कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। हलवाई कुछ इसी तरीके से डालते हैं, ना चाशनी ठंडी होनी चाहिए ना हमारी इमरती ठंडी होनी चाहिए, दोनों हल्का गरम होना चाहिए। तो इस स्टेज पर हम चाशनी में अपने इमरती को अच्छे से डिप कर देंगे, आधे से एक मिनट के लिए उसे छोड़ेंगे और उसे फिर बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो चाशनी में भी 1 से 2 ड्रॉप ऑरेंज कलर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी सारी इमरती को चाशनी में अच्छे से डिप कर लेंगे। मैंने 4 से 5 इमरती के लिए चाशनी बनाया था, आप चाशनी चाहें तो और ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इमरती को तल के स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते और कम से कम इंग्रेडिएंट्स लग करके ये इमरती बन के तैयार हो जाते हैं और जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम अपनी सारी इमरती बना करके तैयार कर लेंगे।